जहां पूरी दुनिया कोरोना वायरस से जंग लड़ रही है, इस महामारी से निपटने के लिए तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। सारे देश इसका वैक्सीन बनाने में जुटे हुए हैं। लॉकडाउन में लोगों से घरों में रहने की अपील की जा रही है ताकि लोगों को कोरोना से दूर रखा जा सके। लेकिन इसी बीच आज हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बता रहे हैं जहां कोरोना वायरस का पहुंचना मुश्किल ही नहीं बल्कि ये कहें कि नामुमकिन है। जी हाँ, ऐसी ही एक जगह है भारत के अंडमान द्वीप समूह के एक हिस्से में, जिसे नॉर्थ सेंटिनल द्वीप कहा जाता है। ये द्वीप अंडमान का ही एक हिस्सा है, लेकिन फिर भी इससे काफी अलग है। इस सेंटिनल द्वीप पर एक आदिम जनजाति रहती है। लगभग पिछले 60,000 वर्षों से ये जनजाति यहाँ पर रह रही है। दक्षिण अंडमान से सिर्फ 54 किलोमीटर दूर स्थित ये द्वीप एक अभेद किला है, जिसे तोड़ना परिंदे के लिए भी मुश्किल है। द्वीप में रहने वाली इस आदिम जनजाति का संसार महज इस 60 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ही बसा हुआ है। ये ना यहाँ से बाहर जाते हैं और ना ही किसी को अंदर प्रवेश करने देते हैं। अगर कोई घुसपैठ की कोशिश करता है तो उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। इस जनजाति को बाहरी दुनिया से दूर रहना पसंद है। अपने द्वीप के जंगलों में ही पाए जाने वाले सुअर फल और अन्य चीजें ये खाते हैं। अति संवेदनशील जनजातियों में शामिल है ये जनजाति और विलुप्ति की कगार की ओर बढ़ रही है। बाहरी दुनिया से कटे होने के कारण इस जनजाति की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम है, जिसके चलते ये सोचा जा सकता है कि ये कोरोना जैसी बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये जनजाति खतरे से इसीलिए दूर है क्योंकि ये किसी के संपर्क में नहीं आती है। लगभग 28 सालों से कोई भी व्यक्ति इस जनजाति के करीब नहीं जा सका है। साल 2018 में एक अमेरिकी ने यहाँ घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन इन लोगों ने उसे मारकर शव को दफन कर दिया। ये द्वीप कोरोना से भी ज़्यादा सुरक्षित इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इस द्वीप के चारों ओर 5 किलोमीटर की परिधि में बफर जोन बनाया गया है, जहां 24/7 सख्त निगरानी रखी जाती है। यहां तक कि सुरक्षा में लगे कर्मचारी भी बफर जोन में प्रवेश नहीं कर सकते। कुछ मानव वैज्ञानिकों की माने तो इस जनजाति की अपनी स्वास्थ्य प्रणाली है, जिसके चलते वो बरसों से अपने अस्तित्व को बचाते आ रहे हैं। इस सेंटिनल की आबादी लगभग 100 के करीब है, लेकिन अपनी कम क्षमता के बावजूद भी ये अपना अस्तित्व बचाने में कामयाब है। इस जनजाति से जुड़ा एक किस्सा भी है। जब साल 2004 में सुनामी आई थी और उसके बाद सुनामी का जायजा लेने के लिए जब कोस्ट गार्ड का हेलीकॉप्टर वहां भेजा गया, तो इन्होंने हेलीकॉप्टर पर भी तीर दागना शुरू कर दिए। इस जनजाति की जनसंख्या को पता लगाने की कोशिश भी हवाई सर्वे के जरिए ही की जाती है और हवाई सर्वे के जरिए ही इन पर नजर रखी जाती है। अंडमान निकोबार के मुख्य सचिव का कहना है कि ये जनजाति पूरी तरह से सुरक्षित है और इन तक कोरोना वायरस नहीं पहुंच सकता क्योंकि यहाँ पर ना कोई आता है और ना ही कोई वहां जाता है। और हमने अपनी इसके अलावा और कई जनजातियां शामिल है जिन्हें इस महामारी से बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है और साथ ही इनके अस्तित्व को कायम रखने की भी कोशिशें की जा रही हैं। बहरहाल पिछले 60,000 वर्षों से अपने पास मौजूद संसाधनों से ही अपना अस्तित्व बचाए रखने वाली ये जनजाति आगे भी शायद खुद को इसी तरह से सुरक्षित रखती रहेगी।